अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर एक मनकबत आ गई है, बड़ी ही जबरदस्त मनकबत। तो क्या ख्याल है, मनकबत सुनेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मनकबत इतनी अच्छी, इतनी सुरीली है, और इसकी खास बात ये है कि इसकी क्वालिटी है गाने वाले की, कि जो भी इस मनकबत को सुनेगा 20 सेकंड के बाद जो रिएक्शन देगा। तो बिना टाइम जाया कि चलिए शुरू करते हैं। कायद हो तो कैसा हो, बोलो 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 बेटा कैसा हो। ओ, ये नहीं बताता यार। कायद हो तो कैसा हो, फजलुर रहमान जैसा हो, फजलुर रहमान जैसा हो। मेरा बेटा सही कह रहा है? नहीं। सही कह रहा है? नहीं। आपसे वोट मांग रहा हूँ, आप भी जवाब दो। नहीं। कायद हो तो ऐसा हो। कैसा कैसा नाम नहीं आता है क्या? नहीं। अब तो सबको नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबने पहचान लिया। कहते हो बंद के उलमा कैसे होते, जब डट जाते हो तो पीछे नहीं हटते। कायद हो तो ऐसा हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैं अभी एक जलसे से आ रहा हूँ, और वो मेरा मोहतरम नौजवान भाई पीटीआई कवर करता, और मुझे यकीन करें प्रोग्राम के बाद मुझसे मिला, कहेंगे आपके कलाम को सुनने के बाद मेरे दिल के अंदर इतना जज्बा पैदा हुआ है कि आज के बाद मैं उलमा से मोहब्बत करूंगा। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? तो मेरा जो जो भाई पीटीआई वाला यहाँ बैठे हैं, उनको मेरा पैगाम है, आज मुझे जवाब दे, इंशाल्लाह आपको अंदर ईमान यूं ऐसे दस्तक देगा कि तू क्या कर रहा है। उलमा को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाँ, कायद हो तो ऐसा हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भाई कहना चाह रहा है वो मैं बैन कर देता हूँ, जो बार बार ये आवाम को पूछ रहा है ना, कायद हो तो ऐसा हो, वो भला कैसा। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान के लिए जो काम किए हैं उनकी मिसाल आपको तारीख में कहीं मिलेगी ही नहीं। ऐसा भला क्यों है? क्योंकि कोई काम किया होगा तो तारीख बनेगी ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फजलुर रहमान जैसा हो। पगड़ी पीली 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 पूजा काला मुझा। पगड़ी पीली पीली है, सुन्नत जिब्राइली है। मामा हो तो कैसा हो, बोलो बोलो बेटा बोलो, सबको बताओ कैसा हो। मामा हो तो ऐसा हो, फजलुर रहमान जैसा हो। ओए ओए ओए, क्या बात है यार, क्या सुर बांध दी इसने यार। गाने की तो तर्ज ही फेल हो गई सारी, जो इसने सुर लगा दी है ना, गाने जो गाने वाले हैं वो तो इसने पीछे छोड़ दिए। और क्या कह रहे हैं कि इमामा हो कैसा हो, फजलुर रहमान जैसा हो। तो तेनू की मौत पई है, तेरे मुंडे की मौत पई है, तुसी फजलुर रहमान जैसा इमामा क्यों नहीं बन रहे? नीलियां ते कहानियां कराने लगे हो आगे। सबको बताओ जी 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 जी। सर, ये तो टट्टी है। मिल्लत ऐसा हो, फजलुर रहमान जैसा हो। नहीं, मैं नहीं मानता। कायद हो तो कैसा हो, जा पूछ के। अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी से एक मासूमाना सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई एक ऐसा काम बताएं जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ हो, कोई एक ऐसा कारनामा बताएं जिससे कश्मीर को फायदा हुआ हो, कोई एक ऐसा काम बताएं जिसकी वजह से इस्लाम को जो है बहुत ज्यादा जोर मिला हो। एक ही चीज जो मुझे उनकी पता है, जो उनकी क्वालिटी है, और वो ये है फ्रेश ताजा मीठी लस्सी। जो लोग लस्सी का कारोबार करते हैं उनको जरूर फायदा हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से, बाकी ना मुल्क को, ना कश्मीर को, ना किसी सियासत को, ना ही इस्लाम को।
सिर्फ और सिर्फ मजहबी कार्ड खेला है इन्होंने, ये इनकी क्वालिटी है।